ગોમતીપુરમાં જમીનમાંથી ફોર્મ નીકળવાના મામલે અમદાવાદથી મહત્વના સમાચાર કહી શકાય. જીએમઆરસી દ્વારા એક પત્રકાર પરિષદ પણ યોજવામાં આવી છે. તો અભી હમારા હોલ જો હૈ ઉસકો બ્લોક કરને કા પ્રોસેસ ચલ રહા હૈ. રાત કો કરીબ 12 લોગ જો રહેતે થે ઉનકો વહાં સે રિક્વેસ્ટ કિયા ગયા કે આપ શિફ્ટ કર લીજીએ. ઉનકે શિફ્ટિંગ કા કોસ્ટ હમ લોગ બિયર કરેંગે. ઓર વો લોગ ફર્સ્ટ ફ્લોર પર રહેતે હૈ, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર શોપ હૈ. તો વો લોગ આજ રાત કો યા કલ સુબહ સે અપને ઘર મે વાપસ જા સકતે હૈ. ઓર શોપ હમ લોગ અટેન્ડ કરકે કલ રાત તક ઉનકો વાપસ હેન્ડ ઓવર કર દેંગે. खोखरा में जो हुआ था वो एक सिंक होल था, मतलब उसमें लिक्विड, मतलब ज़मीन भुआ की तरह नीचे बैठ गई थी. जब खोखरा में इंसिडेंट हुआ था, लिक्विड आने का इस तरीके का पहला इंसिडेंट है. क्योंकि अहमदाबाद में ओल्ड सिटी में बहुत जगह टंकाज और बोरवेल्स हैं घरों में, तो हम लोगों ने नॉर्मली काफ़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और जहाँ जहाँ पर हैं उनको हम लोग ब्लॉक करने के बाद ही TBM चलाते हैं. अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, जैसे ये पर्टिकुलर केस में घर के अंदर कोई इंडिकेशन नहीं है कि कोई बोरवेल है, मिस्टर शेख की फैमिली को भी नहीं पता था, और फ्लोर और दीवार के बीच में से ये लिक्विड बाहर आ रहा था, जो कि कोई गैप रह गया या नीचे की सॉइल रबल से बनाई हो, प्रॉपरली फाउंडेशन नहीं बनाया हो, इस वजह से बाहर आया. पर हम लोग एक बार फिर से पूरा प्रिकॉशन लेते हुए काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ऐसी तकलीफ आगे फिर नहीं आएगी. अभी LNT जिस एरिया में काम कर रही है, अभी तक वो रेलवे यार्ड में ही काम कर रही थी. अभी तक एफकॉन ने करीब 800 मीटर करीब टनल बोरिंग की है और उसमें किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में से पास नहीं हुआ, इसलिए फिलहाल कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है. बाकी शहरों में भी जहाँ जहाँ टनल बोरिंग मशीन काम करती है, एक आध इंसिडेंट ऐसे ज़रूर होते हैं. तो इट इज़ नॉट समथिंग कि एफकॉन कंपनी से ही रिलेटेड ये इशू है, ये कहीं भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है. मगर चूंकि इस एरिया में दो इंसिडेंट हो चुके हैं, तो जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है उसको एक बार फिर हम लोग और अच्छे से दिखवाने के बाद काम शुरू कराएंगे. ट्रायल रन में जो PM आने वाले वो कंफर्म हो गया है? अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली. आप शायद 132 फीट रोड के पास की बात कर रहे हैं, जो पिछले अभी मॉनसून में वहाँ पर एक सिंक होल हुआ था. बट वो सिंक होल मेट्रो की वजह से नहीं हुआ. हम लोगों की जो स्टेशन बनता है या वायाडक्ट बनती है, उसकी फाउंडेशन पाइल्स जो होती हैं वो करीब 30 मीटर डीप होती हैं. तो वो सिंक होल मेट्रो की वजह से नहीं है, उसके बगल में जो यूटिलिटी की पाइपलाइंस होती हैं उन पाइपलाइन में लीकेज था, जिसकी वजह से ऊपर की सॉइल बह गई थी. बट उसमें मेट्रो का ना कोई रोल है और ना ही मेट्रो को ऐसे किसी सिंक होल से कोई फर्क पड़ेगा, कोई सेफ्टी पे फर्क नहीं पड़ेगा हमारे स्ट्रक्चर्स में. थैंक यू. મહત્વનું કહી શકાય કે ગઈકાલે ગોમતીપુરમાં જમીનમાંથી ફોર્મ નીકળવાના મામલે જીએમઆરસી દ્વારા એક પત્રકાર પરિષદ સંબોધાઈ હતી, અને જેમાં આ પરિવારને આજે રાત્રે અથવા તો આવતીકાલથી તેઓના ઘરમાં ફરીવાર વસવાટ કરી શકશે તેવું પણ જણાવાયું છે.